वीडियो एंड तक देखना जी, एक एक शब्द एंड तक सुनना। आगे देखिए। सत श्री अकाल जी, नमस्ते, दुआ सलाम। बहुत दिन तो मैसेज कर रहे थे आप यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के, पाजी कोई संडे ब्लॉग लाइव कोई वीडियो नहीं आई सोशल टॉपिक पे, और बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं कि पाजी आपकी वो जो चार पांच वीडियोस हैं जो शादी के टॉपिक पे है, बहन भाई के टॉपिक पे है, जिंदगी की भाग दौड़ के टॉपिक पे है, समाज में या रिलेशनशिप में ईगो आकड़ उस टॉपिक पे है, और जिंदगी के लिए कुछ जरूरी बातें उस टॉपिक पे, ये पांच वीडियोस उसको आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उसके लिए दिल से आभार, धन्यवाद, तहे दिलों शुक्रिया बहुत बहुत। परसों से तीन चार दिन हो गए जो मैसेज जा रहे थे कि पाजी कोई आपने लाइव कोई वीडियो नहीं डाली किसी टॉपिक पे, या आप जो बातचीत करते हो वो हमें सुनना मतलब अच्छा लगता है। देखिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के और हमारे बीच जो एक प्यारा सा रिश्ता है, एक प्यारा सा बंधन है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि पाजी दो चार कोई ऐसी बातें बताएं कि रोज कोई ना कोई जीवन में मतलब कोई टेंशन रहती है, कभी कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है माइंड में, है ना। तो देखिए, एक बात मैं दिल से कहना चाहूंगा, जो टेंशन है ध्यान से सुनिए, जो टेंशन है टेंशन लेकर जिंदगी मत गुजारो भाई। टेंशन जितनी मर्जी हो कोई भी हो, यहां पे मतलब और यहां पे मतलब बहुत नुकसान होगा। एक बात सुनिए आप लोगों के लिए, सबकी जिंदगी में टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। देखिए, हम कोई साधु संत या कोई जो मोटिवेशनल्स आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं वो तो हम हैं नहीं, वो लोग है ना, और बस जिंदगी के कुछ तजुर्बों एक्सपीरियंस से कुछ बातें कहना चाहेंगे। आप सबका एक कॉमन सवाल मुझे देखने को मिला है मैसेज में कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, टेंशन बहुत है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, ये है वो है। देखिए, सबसे पहले आप अपने जीवन जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू कीजिए, सक्षम होना सीखिए, नंबर एक। नंबर दो, किसी को अपने राज मत बताइए, कोई भी हो। नंबर तीन, आपके जीवन में एक खास दोस्त होना चाहिए, लेकिन उस खास दोस्त को परखे बिना खास दोस्त की कैटेगरी में मत लेके आइए। खास दोस्त जिस पे हम विश्वास कर सकें, जितना विश्वास हम अपने माँ बाप या बहन भाई पे करते हैं, ऐसे दोस्त को खास दोस्त बनाने के लिए एक बार उसकी परीक्षा लेके देखिए, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कसौटी पे उतरवा के देखिए उसको कि वो खास दोस्त बनने के लायक है। छोटी सी परीक्षा लेके देखिए, अगर वो उसमें पास होगा तो ठीक है, अगर वो फेल होगा तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। समझ लेना कि वो आपका खास दोस्त नहीं बन सकता, वो आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए रखे हुए है क्योंकि उसको आपसे मतलब है। नंबर चार, छोटी छोटी बातों पे सोचना बंद कीजिए, टेंशन लेना बंद कीजिए। मन में रोज हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति उन विचारों में से सिर्फ कुछ ऐसे विचारों को चुनता है जो उसके हित के लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है। और अगली, ठीक है, इन खास पांच बातों का आप ध्यान रखिए जीवन में। देखिए, जीवन में कुछ ना कुछ रोज घटता है, वो चाहे समाज का मामला हो, ऑफिस का मामला हो, घर परिवार का मामला हो, या रिश्तेदारी का मामला हो, आपको उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना है। उसी वक्त किया गया रिएक्ट या रिएक्शन आपको ही मुसीबत में डालता है।
घर आके उसके बारे में सोची जाना, दिमाग में टेंशन ले जाना, उसको कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपके साथ समाज में कोई गलत कर रहा है उसकी तो उसी वक्त कंप्लेंट चाहिए, वो चाहे पुलिस कंप्लेंट हो या घर परिवार वालों को बताना हो, खास दोस्तों को बताना हो, वो तो जायज है। लेकिन जो बाकी छोटी मोटी बातें हैं उनके इतनी बड़ी यहाँ पे टेंशन मत लिया कीजिए। और एक और बात, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सफल जरूर होंगे। बाकी किस्मत, लक, ये भी एक बात होती है, मेहनत ये भी एक बात है, किस्मत लक ये भी एक बात होती है, इन दोनों को आपको मानना ही पड़ेगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, किस्मत अगर आपकी होगी तो जरूर आपका नंबर लगेगा भाई। और बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन मत लिया कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, योगा, सैर, सुबह जल्दी उठना, अपने म्यूजिक पसंद का जो म्यूजिक का गाने हैं वो सुनना, अपने किसी खास दोस्त से कभी कभी अच्छी बातें शेयर करना, और कोशिश कीजिए अगर किसी से कुछ सीखने को मिले, कहीं से भी हो, ज्ञान मिल रहा हो, वो लग के सीख लेना। ठीक है, और बुराई से दूर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। अगर बुरा हो भी गया तो एक बात का जवाब आप जरूर दीजिए मुझे। एक सवाल है, आप अपने आप को एक सवाल करके देखें, जब से आपका जन्म हुआ, जब से आपको मतलब 2 साल का हो जाता है, बच्चा सोरी आ जाती है, मतलब उसको पता लगने लग जाता है कि समाज में क्या है, दुनिया कैसी है, माँ बाप कौन है, जब से आप बचपन से बड़े हुए, अब तक जो आपकी उम्र है, बड़े हुए हैं अब तक, आज तक, अभी तक आपने कौन कौन से कर्म किए, किस किस का दिल दुखाया, या कौन कौन से छोटे मोटे पाप हुए आपसे। अगर आपसे कुछ भी नहीं हुआ तो भाई सल्यूट, महान हुआ, लेकिन अगर आपसे गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, तो जो आपके साथ हो रहा है वो फिर समझ लीजिए उस रब की, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, पर यहीं पे मिलता सब कुछ। ठीक है जी, अच्छा कीजिए, माँ बाप का सत्कार कीजिए, बहन भाई के साथ प्यार बना के रखिए, घर परिवार के लिए अच्छा कीजिए, देश के लिए अच्छा कीजिए, खुश रहिए। एक जिंदगी मिली है, 84 लाख जून बाद इसको अच्छे से बिताइए, इधर उधर के धक्के खा के, इधर उधर के गलत मलत कामों में ना पड़े, कोई लाभ नहीं है इसमें, अंत में आपको पछताना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप। गूगल पे, यूट्यूब पे आप बहुत कुछ सर्च करते हैं, कभी अच्छी बातें सर्च करके देखना, कभी जिंदगी कोई पॉजिटिव बातें सर्च करके देखना, कभी सुन के देखना ऐसी बातें, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी ऐसी भी है। ठीक है जी, बाकी आज का लाइव ब्लॉग इतना ही था, पिछली बार हम नहीं बात सके 3-4 दिन से वीडियो, क्योंकि हाँ कोई बता जिंदगी, कहीं काम काज हमें भी होते हैं, कहीं जाना पड़ता है, सो वीडियो यहाँ तक कबूल कीजिए। एक बात लास्ट में, एंड में जाते जाते, इस वीडियो में ऊपर बार बार आ रहा होगा, वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और ऊपर आपको शो भी हुए होंगे, शादीशुदा टॉपिक वीडियो, बहन भाई का रिश्ता वीडियो, ईगो आकड़ रिलेशन में, रिश्तों में कैसी आजकल वो वीडियो, ऑफिस में जो अच्छे दोस्त बनते हैं और आपके जो रिश्तेदारी हैं वो वाली वीडियो, और जिंदगी की भागदौड़ वाली वीडियो, जो 5-6 वीडियो को जरूर एक बार देखना, और दिल से अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, जरूर देखना। चंगा जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, रब रखा, आप लोगों के साथ एसपी सिंह।
आप अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार बख्शी, खुश रहिए आप सब। टिल देन, रब रखा जी।